हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रफार एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम फंक्शन। अब दो तरीके के फंक्शंस और आप देखने वाले हैं, तो क्वेश्चंस आपके पास फंक्शंस पर बेस्ड आएगा, आपको उसको डेरिवेटिव फाइंड आउट करना होगा। अब फंक्शन या तो एल्जेब्रिक फंक्शन हो सकता है या आपका एक्सपोनेंशियल या लॉगरिथम फंक्शन हो सकता है। एल्जेब्रिक फंक्शंस के लिए क्या क्या फॉर्मूलाज बने थे वो हमने अपनी पिछली वीडियोस में देख लिया है, और इस वीडियो में अभी हम कवर करने वाले हैं एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम फंक्शंस के लिए डेरिवेटिव्स। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो डेरिवेटिव है, द डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, किसी भी फंक्शन में अगर आपको ई मिलेगा और उसकी पावर कुछ है, या वो कोई वेरिएबल हो सकती है या कोई कांस्टेंट हो सकती है, तो वो एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। अब नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है, जब भी ई की पावर में एक्स है तो वो एक नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा। तो एक नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव्स होता है वो खुद ही, मतलब अगर आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन को डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे तो आपको वही सेम एक्सपोनेंशियल फंक्शन वैसा ही मिल जाएगा। तो इसका मतलब कि कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन को डेरिवेटिव फाइंड आउट करने पर आपको वही फंक्शन मिल जाता है एज इट इज। एंड इसमें यहाँ पर एक्स की जो वैल्यू हो सकती है वो बिलोंग करता है रियल नंबर्स को, तो यहाँ पर एक्स की कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है। सेकेंड आपका इसमें है, डेरिवेटिव ऑफ द नेचुरल लॉगरिथम फंक्शन इज गिवन बाय। नेचुरल लॉगरिथम फंक्शन को हम डिनोट करते हैं ln x से, एंड इसके लिए डेरिवेटिव आपके पास मिलेगा जब भी आपको log x आपको गिवन है, तो उसके लिए डेरिवेटिव आपको फाइंड आउट करना होगा। तो उसका डेरिवेटिव सॉल्व करके आपको मिलेगा 1/x। एंड ये चीज मैं आपको पहले भी वीडियोस में कवर कर चुकी हूँ कि जो ये डेरिवेटिव फाइंड आउट हम करते हैं, ये बेसिक जो हमारे पास फॉर्मूला होता है उसकी हेल्प से हम कर रहे थे, जो हमने देखा था कि कैसे आप लिमिट्स के लिए जो फॉर्मूला हमने वहाँ डेफिनेशन देखी थी उसकी हेल्प से कोई भी फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर इस चैप्टर में सिर्फ फॉर्मूलाज याद करने हैं, एंड वो बहुत इजी हैं, लिमिटेड फॉर्मूलाज इसमें हैं, और आपको क्वेश्चन में इम्प्लीमेंट करके फॉर्मूला का यूज करके उसको डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेना है। तो ये बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है और ये बहुत इजी चैप्टर है अगर आप इसके फॉर्मूलाज और इसको प्रैक्टिस में रखेंगे। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन जितनी भी मैं आपको दे रही हूँ और जितनी भी फॉर्मूलाज को लेकर कॉन्सेप्ट्स हम कवर कर रहे हैं, वो ध्यान से आप जरूर देखें और उनको अपनी कॉपी में लिखकर जरूर ध्यान में रखें और उनको याद रखें। तो अभी के लिए सेकंड हमने देख लिया कि नेचुरल लॉगरिथम फंक्शन हम ln x को कहते हैं और इसका डेरिवेटिव होता है 1/x। ऐसे ही थर्ड वाला पार्ट इसमें आपके पास मिलेगा जिसको हम कहते हैं जनरल लॉगरिथम फंक्शन। अब जनरल लॉगरिथम फंक्शन में ना यहाँ पर बेस में a होता है, तो ये log x यहाँ बेस में a होता है, तो इस तरीके के फंक्शन को हम जनरल लॉगरिथम फंक्शन कहते हैं। और इसको डिराइव करके या डेरिवेटिव फाइंड आउट करके आपको मिलता है 1/x log e a। तो यहां पर ये चीज तभी पॉसिबल है जब a की वैल्यू बड़ी होगी जीरो से, मतलब आपको जो गिवन फंक्शन है, आपको गिवन है log x और बेस में a, और यहां पर a की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए जीरो से, मतलब 1, 2, 3 कोई भी वैल्यू हो सकती है, एंड साथ में 1 नहीं होनी चाहिए वैल्यू, तो मतलब 1 को भी छोड़कर 1 नहीं होनी चाहिए वैल्यू और 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो वैल्यू हो सकती है 2, 3, 4, 5, 6, मतलब 0 से बड़ी वैल्यू और 1 ना होना, तभी वो फंक्शन जनरल लॉगरिथम फंक्शन रहेगा। और उस केस में आपको डेरिवेटिव फाइंड आउट करके मिलेगा 1/x log e और a। तो यहां पर ये log e मिल गया, तो ये आपके पास हमारे पास इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करके ये मिला। तो ये जो a रहेगा, जो वैल्यू आपको फंक्शन में गिवन होगी, जो कि a से बड़ी, 0 से बड़ी हो सकती है और 1 नहीं हो सकती, तो वही वैल्यू यहाँ पर आप a की जगह पर पुट करेंगे। तो ये है जनरल लॉगरिथम फंक्शन के लिए डेरिवेटिव। लास्ट इसमें है द डेरिवेटिव ऑफ द जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जनरल लॉगरिथम देख लिया, अब जनरल एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल वही जो e में होता है। तो e में अभी तक हमने नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन देखा, और जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन में आप a देखेंगे। तो a एक ऐसा वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 0 से बड़ी होगी और वो 1 नहीं हो सकती। तो यहां पर मैंने ये चीज क्लियरली लिखी हुई है कि a की वैल्यू
कभी पॉसिबल है ये डेरिवेटिव तब जब आपका ए की वैल्यू बड़ी होगी जीरो से और ए वन नहीं हो सकता। एंड साथ में इसमें हम अब एक्स के लिए जो वैल्यू होती है, मतलब वहां पर अभी आपने एक्स नेचुरल में देखा कि ई की पावर एक्स, एंड यहाँ पर जो एक्स की वैल्यू होगी यहाँ पर भी सेम ही होगी, एक्स बिलोंग करेगा हर एक रियल नंबर्स को। तो रियल नंबर्स के लिए हमने कैपिटल आर से इसको डिनोट किया हुआ है, एंड ये डेरिवेटिव हमें मिलेगा इसका ए की पावर एक्स एल एन ए। तो याद रखें ये चार फॉर्मूलाज और हैं जो आपने ध्यान में रखने हैं एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम फंक्शंस के। सो अभी हम एग्जांपल शुरू करने वाले हैं, स्टार्ट करते हैं एग्जांपल नंबर टू से। एग्जांपल नंबर टू है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। ये चार फॉर्मूलाज आप चार फॉलोइंग फंक्शंस आपको गिवन है और आपको डेरिवेटिव इनका फाइंड आउट करना है। सबसे पहला फंक्शन एक्स की पावर टू और ई की पावर एक्स। आप यहाँ देखेंगे ये एक एल्जेब्रिक फंक्शन है और ये आपका एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ये चीज़ ध्यान में रख रहे हैं, हमें डिफरेंशिएट करके ये चीज़ दिखानी होगी हमें खुद की ऑब्जर्वेशन के लिए कि हम कैसे उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट यही होता है कि फंक्शन को ध्यान से देखें और उसमें क्या क्या रूल्स हम अप्लाई करने वाले हैं उनको रिमेंबर और हमेशा पॉइंट वाइज देखते हुए चले, याद रखें। तो x की पावर 2 है, e की पावर x है और ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मतलब दो अलग अलग फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इसका मतलब हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि पहले एक का डिफरेंशिएशन होगा, देन पहले स्टेप में वो दूसरा वाला फंक्शन एज इट इज लिखा जाएगा, फिर प्लस, फिर जो डिफरेंशिएट नहीं हुआ पहले स्टेप में वो डिफरेंशिएट होगा और दूसरा वाला डिफरेंशिएट नहीं होगा। तो हमने और एक और चीज़, हमें ये चीज़ भी क्लियर है कि यहाँ पर ये अल्जेब्रिक फंक्शन है एक्स की पावर एन, तो यहाँ फार्मूला यूज़ कर सकते हैं हम एन एक्स की पावर एन माइनस वन, और ये है नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो इसमें हमारे पास डेरिवेटिव होके यही सेम डेरिवेटिव मिलता है इसका ही। तो सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन नंबर वन है लेट वाई इज इक्वल्स टू एक्स की पावर टू ई की पावर एक्स, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्योंकि राइट हैंड साइड में जो वेरिएबल है वो एक्स है, तो इसलिए x की ही रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना है। क्वेश्चन इज dy by dx इज इक्वल्स टू पहला वाला y का डिफरेंशिएट करके हमने यहाँ लिख लिया, एक्स स्क्वायर को अभी मैं डिफरेंशिएट नहीं कर रही हूँ, आप चाहें तो डिफरेंशिएट करके यहाँ लिख सकते हैं। मैंने पहले इसको डिफरेंशिएट करते हुए यहाँ लिखा है कि ये डिफरेंशिएट होगा फर्स्ट स्टेप में, देन सेकेंड स्टेप में, मतलब इसी का ही सेकेंड टर्म में ये डिफरेंशिएट होगा और ये एज इट इज लिखा जाएगा। तो पहले आप ये चीज़ ज़रूर क्लियरली यहाँ लिख लें, और आपको अगर ये स्टेप लेंदी लग रहा है क्योंकि हमारे पास एग्जाम में थोड़ा टाइम कम होता है और ये क्वेश्चन जो हैं बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, लेकिन आगे आने वाले क्वेश्चन थोड़े लेंदी क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो आपको अगर स्टेप अगर आप प्रैक्टिस में आ जाएंगे ना तो आपको ये चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और यहाँ दिखाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि ये डी में आपको लिखना पड़े। तो ध्यान रखें प्रोडक्ट रूल में यही होता है कि पहला डिफरेंशिएट और दूसरे वाले को डिफरेंशिएट करके या डायरेक्टली लिख ले या तो स्टेप वाइज दिखाएं। तो यहाँ पर मैंने अभी स्टेप वाइज इसको दिखाया है कि डिफरेंशिएट होगा फिर ये डिफरेंशिएट होगा, तो आप डिफरेंशिएट करके यहाँ इनको लिख लेते हैं। इसका डिफरेंशिएशन मुझे ई की पावर एक्स ही मिलेगा, इसका डिफरेंशिएशन मुझे मिलेगा एक्स की पावर एन होता है एन, एन मतलब टू, एक्स की पावर एन माइनस वन मतलब टू माइनस वन, तो ये हो जाएगा वन। सो वी गेट टू एक्स की पावर वन एंड दिस इज ई की पावर एक्स, तो ये एज इट इज यहाँ लिखा जाएगा। एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि मल्टीप्लाई के लिए मैं यहाँ डॉट सिंबल यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो मल्टीप्लाई भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा अच्छे से आप चीज़ को दिखा रहे हैं कि क्वेश्चन की रिप्रेजेंटेशन कैसे होनी चाहिए। तो यहाँ पर डेरिवेटिव इसका मुझे मिला ई की पावर एक्स एंड इसके लिए हुआ टू एक्स की पावर एन माइनस वन, टू एक्स हो गया। एंड सॉल्व करके यहाँ पर से हम इन दोनों टर्म्स में से e की पावर x कॉमन कर सकते हैं, सो वी हैव e की पावर x ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, सो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। तो ऐसे आपने प्रोडक्ट रूल का यूज करके पहले आपने आइडेंटिफाई किया कि मेरे को इसमें कौन कौन से रूल यूज करने हैं और कैसे इसको डेरिवेटिव के फॉर्मूलाज आपने ध्यान में रखने होंगे, तो उसके बाद क्वेश्चन को इजीली आप डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अभी के लिए हमने इस वीडियो में सिर्फ यही एग्जाम्पल टू का फर्स्ट क्वेश्चन ही देखा, आगे के क्वेश्चंस हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको इन क्वेश्चंस को मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताना है। आपको ये चीज़ बतानी है कि
इस सेकेंड थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन में मुझे कौन कौन से रूल यूज कर रहे हैं। सो कमेंट जरूर करें। हमारी वीडियोस पसंद आई है तो लाइक करें। हमारी आगे आने वाली वीडियोस में अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, अगर आपके कुछ सजेशंस हैं तो हमें कमेंट करें। थैंक यू।